My dear viewers, assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome to my channel Learn and Earn. Today my topic is how to make channel art for YouTube channel. जी जैसे कि स्क्रीन पर आपको मेरा टॉपिक आज का नज़र आ रहा होगा, आज मैं आप सबको चैनल आर्ट बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि ये एक चैनल तो बना लेते हैं लोग, फिर उनको मसला होता है कि चैनल आर्ट कैसे लगाएं। सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि उसकी रिसाइज करना, उसको साइज़ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू चैनल आर्ट को बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगी। लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल लर्न एंड अर्न को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलती रहें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, चैनल आर्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने डेस्कटॉप से क्रोम पर, या जो भी आपके पास वेब ब्राउजर होगा आप वहां से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से जाती हूं क्रोम के ऊपर, ये देखिए, यहां से मैं जब इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो हमारे सामने क्रोम ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहां पे सर्च बार में एक वेबसाइट लिखनी है, ये देखिए यहां से बैकग्राउंड यूट्यूब चैनल आर्ट। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड आ जाएंगे चैनल आर्ट के, देखिए। जब मैं यहाँ पे, आपने फिर क्या करना है, जब ये आ जाएंगे आपके पास, आपने जाना है यहाँ पे इमेजेस के ऊपर। जब आप इमेजेस के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ चैनल आर्ट ओपन हो गए। इसमें से आपने जो भी चैनल आर्ट सिलेक्ट करना है आप अपनी पसंद का एक टेम्पलेट या एक पिक्चर सेलेक्ट कर लें, जो भी आपको पसंद है। ये मुख्तलिफ आपको नजर आ जाएंगी पिक्चर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से ये वाला आर्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला जो आर्ट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, या ये वाला कर लेते हैं हम। ये देखिए, जब इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स आ जाएंगी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें से भी कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है पिक्चर को, तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने इस वाले ऑप्शन पे जाना है, सेव इमेज एज। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डेस्कटॉप में बॉक्स खुल जाएगा कि आपसे वो पूछेगा कि आपने कहाँ इस पिक्चर को सेव करना है। हम कहेंगे कि हमने डेस्कटॉप में सेव करना है तो वो डेस्कटॉप में कर देगा। देन अगर डॉक्यूमेंट्स में तो वो डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में तो डाउनलोड में। हम कहते हैं हमने डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। जब यहाँ पे ये क्लिक किया डेस्कटॉप के ऊपर और सेव किया तो हमारी पिक्चर वहाँ पे सेव हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है ऑप्शन कि हमने जो पिक्चर डाउनलोड की है कि उसको हम चैनल आर्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपने क्रोम की सर्च बार पे अगेन जाना है और वहाँ पे आपने लिखना है पिक्चर एडिटर ऑनलाइन टेक्स्ट। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे फर्स्ट पे आपने फ्री ऑनलाइन इमेज एडिटर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ये देखिए, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके का कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी तो वो यहाँ पे इस तरीके की आपके पास, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है अपलोड एन इमेज। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा बॉक्स, उसके अंदर से आपने जो भी पिक्चर डालनी होगी, जो भी डाउनलोड किया हुआ होगा चैनल आर्ट, या आपने कोई पिक्चर एडिट करनी होगी, यहाँ से वो आप एडिट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो ये देखिए, हमारे पास जो सिलेक्टेड पिक्चर थी वो यहाँ पे ओपन होगी। अब यहाँ पे हमने बनाना है चैनल आर्ट।
तो यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे तो ऊपर आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी नजर आपको, जिनमें सबसे पहले आती है रिसाइज, क्रॉप, एड टेक्स्ट, रोटेट, कलर चेंज, या से आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन। हम सबसे पहले चाहते हैं इसके अंदर फ्रेम नेम, ठीक है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ आपके लेफ्ट साइड पे कुछ फ्रेम्स नज़र आ जाएंगे, ये देखें। यहाँ से आप कोई भी फ्रेम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल कर देंगे तो वो सारे आ जाएंगे फ्रेम, ठीक है। यहाँ से फिर ये भी नंबर वन पे, हम नंबर टू करके और फ्रेम्स ले लेते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के फ्रेम्स हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, एनिमेटेड ले सकते हैं, यहाँ से आप क्लासिक ले सकते हैं, अपने पिक्चर को आप कोई भी फ्रेम दे सकते हैं। मैं यहाँ से एनिमेटेड लेती हूँ और ये वाला फ्रेम मैं ले लेती हूँ, ठीक है। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये फ्रेम आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे उसने हमारे इधर लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगी आपको नीचे नजर, रिसाइज इमेज। अब अगर इमेज होगा तो हम इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, इमेज जो हमारा है हम उसको रिसाइज करके इसके अंदर ला सकते हैं, और रिसाइज फ्रेम, अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो फ्रेम का साइज हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से ये फ्रेम का साइज चेंज हो सकता है अपनी मर्जी से, आपको जो भी पसंद है साइज वो आप कर सकते हैं। देन हम अब अपनी इमेज का साइज चेंज करते हैं, हम उसको जूम इन कर देते हैं और फिर हम उसको जो एडजस्ट होगा साइज हम उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारे पास एडजस्टमेंट, अब ये फ्रेम में आ गया। हम यहाँ पे कर देते हैं इसको यहाँ से अप्लाई, जी। तो ये देखिए हमारे सामने जब हमने अप्लाई किया तो आपके सामने वो एडिटेड फ्रेम के अंदर जो पिक्चर थी आपकी वो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हमने यहाँ पे चैनल आर्ट अपना बनाना है, क्रिएट करना है, तो हम टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने पहले से यहाँ पे सेव किया हुआ है। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं एंड फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको करती हूँ सिलेक्ट, देन मैं यहाँ पे जाती हूँ साइड पे, राइट साइड पे आपको यहाँ पे मुख्तलिफ फॉन्ट्स नजर आ रहे होंगे, आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉन्ट रख दिया, यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, नीचे साइज आपको राइट साइड पे नजर आ जाएगा, यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका आप कर दें 60x30 कर दें, वो छोटा हो गया। यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से 100 कर देते हैं हम, तो वो साइज का इंक्रीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है कलर, यहाँ से हम इसको कलर दे सकते हैं, कोई भी येलो ही अच्छा लग रहा है मुझे तो येलो ही रहने देते हैं, यहाँ से आप कोई कलर चेंज कर सकते हैं। देन आउटलाइन, आउटलाइन यहाँ पे ब्लू हुई हुई है, हम येलो के साथ आउटलाइन कर देते हैं ऑरेंज, और देन यहाँ पे ये स्ट्रोक विड्थ है, यहाँ से विड्थ चेंज कर सकते हैं आप अपने आउटलाइन की, मैं 6 कर देती हूँ। तो यहाँ से देखें आउटलाइन हो गई हमारे टेक्स्ट की, देन ARC यहाँ से ये कर देते हैं, देन रोटेट है, रोटेशन ARC ये होती है कि आपका टेक्स्ट, जी अभी यहाँ पे इसकी ARC 80 हुई हुई है, मैं कहती हूँ मुझे ये भी अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ से आप इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर देती हूँ इसको 70, तो जब 70 करूँगी तो ये देखें नाउ इट्स लुक लाइक दिस। यहाँ से फिर हमारे पास आता है रोटेट, आप इसको रोटेट कर सकते हैं टेक्स्ट को अपने यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देती हूँ 2, तो ये नीचे हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आती है शेडो, आप अपने टेक्स्ट को शेडो दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये इस टाइम अभी कोई शेडो इसको नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं राइट से शेडो, शेडो आउट हो जाएगी आपकी, ये देखें आपकी शेडो आ गई टेक्स्ट के अंदर,
उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा फ्रंट चेंज कर देते हैं, साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 95 कर देते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। ठीक हो गया, अब हमारा लग रहा है कुछ बेटर। हम यहाँ से रोटेशन इसकी कर देते हैं, अब जीरो रोटेशन हमें नहीं चाहिए। ओके हो गया, अब यहाँ से हम इसकी कर देते हैं एआरसी, ये हम हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा शेडो, तो हम यहाँ से शेडो को कर देते हैं क्रॉस। तो यहाँ से देखें, ये आपके सामने इस तरीके का कुछ चैनल आर्ट बन गया। अब आप यहाँ से इसको मजीद एडिट भी कर सकते हैं, जैसे आप इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दें तो आपके जो टेक्स्ट, ये देखिए यहाँ से आप इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं और कलर्स भी चेंज सकते हैं। ओके, अब जब मैं अप्लाई करूँगी, इसकी विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से 30 है, मैं इसको 40 कर देती हूँ, यहाँ से ये विड्थ इसकी बोल्ड हो गई। अप्लाई करूँगी तो वो हमारा टेक्स्ट जो हमारा ये अप्लाई हो गया यहाँ पे इसकी पिक्चर के ऊपर, बॉर्डर्स यहाँ पे इसके अप्लाई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके बॉर्डर अप्लाई हो गए हैं। अब यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट को अगेन क्लिक करती हूँ, तो यहाँ से टेक्स्ट ऐड हो गया हमारा जो हमने टेक्स्ट ऐड किया था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये बन गई। उसके बाद ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये था मेरा आज का लेक्चर, बहुत छोटा सा था, बहुत शॉर्ट था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो जल्दी इसे लाइक और शेयर के बटन को प्रेस करें, ताकि और भी लोग इस लेक्चर और इस वीडियो को देखें और उनको भी इससे इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल लर्न एंड अर्न को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहे। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, सी या, बाय फॉर नाउ।